Hi guys, good evening. Welcome to an academy. मेरा नाम है एंड आप सबका स्वागत है एक बहुत अमेजिंग इंपॉर्टेंट न्यू सेशन में जो चीजें हमारे एनएमसी और एन के द्वारा दिए गए सिलेबस में डाल दी गई हैं लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया कि इसको कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है पहले ही ये चीज एक पहाड़ टाइप थी जब हमारी तीन फैमिलीज़ होती थी चार होती थी अब तीन और ऐड कर दी गई हैं, तो अभी उससे बड़ा पहाड़ बन चुका है लेकिन आज मैं आप सबको बता दूं, आपको चाहे मोरफॉलोजी का एम तक ही आता है अच्छे से नहीं आता है बट फिर भी अगर आप फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो ये सेशन आप सबके लिए है आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज बट अगर वो भी नहीं है मैं बेसिक से शुरू करने वाली हूँ इस क्लास में पहले मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम उसके बारे में बात भी करेंगे एंड देन हम इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे एंड साथ में हम फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखेंगे जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं फिर से बता दू मेरा नाम है इसीपाउजा एंड आई एम बायोजी एजुकेटर फ्रॉम पास टेन ईयर मैंने बहुत सारा समय ऑफलाइन में भी पढ़ाया है वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड बहुत सारे समय से अब मैं अन पर भी हूँ ऑलमोस्ट मुझे चार साल होने वाले हैं जब जितनी मुझे लगता है पुरानी अन अकेडमी है उतनी पुरानी ही यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ ठीक है तो एज पर न्यू एनटीए सिलेबस जिस बच्चे को नया सिलेबस पता है उसको मैं दिखा दू नहीं पता तो दिखा दू ये अपना नया सिलेबस था जिसमें यूनिट नंबर टू पे जाइए यूनिट नंबर टू इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अगर आप इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन कुछ चेंज नहीं किया गया टिश्यू एनोटमी फंक्शन सब आना है अब लास्ट लाइन बेटा देखिए फैमिली में क्या क्या आ रहा है अब से कुछ तो हमारी है। है बोलते हैं अपनी जिसको केसी है बोलते है। ये अपनी पुरानी फैमिलीज है आज हम ये भी डिस्कस करेंगे डू नॉट वरी लेकिन नई फैमिलीज ऐड हुई हैं कंपोजिटे ग्रामीण एंड मालवेश अब फैमिली तो ऐड कर दी लेकिन इसके बारे में एनसीआरटी में कुछ लिखा नहीं उन्होंने तो अब ये आ जाता है कि हम पढ़े तो कितना पढ़े कहां से पढ़े यहां पर जरूरत पड़ती है बेटा आपको आपके टीचर की जो आपको बताता है कि कितने हद तक क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है सो आर यू रेडी टू स्टार्ट विध दिस बहुत अमेजिंग तरीके से समझेंगे बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेशेंस अगर आप इस सेशन को बीच में ज्वाइन करेंगे मतलब थोड़ा सा टपा के देखेंगे या बीच में से ज्वाइन करेंगे तो नहीं समझ आएगा स्टार्टिंग से एंड तक देखना थोड़ा सा पेशेंस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करूंगी लेटर ऑन वो मैं पहले बताऊंगी आपको जिस जितने बच्चों को वो आता होगा पंद्रह मिनट का वेल एंड गुड नहीं आता तो यहाँ पर फिफ्टीन मिनट्स में सीख लेना देन हम वन बाय वन ओल्ड टू न्यू फैमिलीज पे जाएंगे पहले मैं आपको सॉरी न्यू टू ओल्ड पे जाएंगे पहले न्यू के बारे में बताऊंगी ग्रामीण एंड हमारा मालवेसी इन तीनों को तीन ऑर्डर में करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट एंड रासिकेश अगर आपको एक फैमिली भी समझ आ गई तो बाकी तो बस फिर चीजें याद करने वाली है दूसरी चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि लर्न करने वाला तो है अब तुम बोलो मैम ये रट्टा है ये कैसे है ये कैसे दिस इज हाउ बायोलॉजी इज लेकिन समझ समझ कर लर्न करने को रट्टा नहीं बोलते हैं अगर आप बिना देखे ऐसे पढ़ी जाओगे ये गेमो है ये बॉली है कुछ भी पढ़ी जाओगे नहीं समझ आएगा एक एक करके करोगे माइंड में रिटेन करने की इंटेंशन से बैठोगे तभी समझ आएगा इंटेंशन आपकी करने वाली होनी चाहिए ये नहीं कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दो मैं यहां कोई शॉर्टकट बताने नहीं आई हूं ना कोई लॉन्ग कट बताने आई हूं जितना टाइम जिसको लगना है लगना है जो जितना डिटेल में जाना है वो जाना है ऐसे ही बेटा पढ़ाई होती है जल्दी जल्दी करा दो ट्रिक बता दो न्यूमोनिक बता दो मैं यहाँ पर एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगी एक भी न्यूमोनिक नहीं बताऊंगी बिकॉज ये क्लास समझने की क्लास है जब ट्रिक करानी होगी तो वो भी करा देंगे अगर आप आज की क्लास सीधे सीधे सुन लोगे आपको किसी ट्रिक की किसी न्यूमोनिक की एटलीस्ट इस पोर्शन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत रिसर्च गया है बेटा मेरा बहुत समय भी गया है मैंने कोशिश करी आपके लिए लाइव वो चीजें लाने की बट क्या करें ना भिंडी का सीजन चल रहा है ना अब हमारे गेहूं जिस जगह मैं रहती हूँ वहां गेहूं भी नहीं होता है तो उसका सीजन भी नहीं है तो आई डिड नॉट गेट अ चांस टू यू नो प्रोक्योर देम एक्चुअली उसका लाइव मैं लेकर नहीं आ पाई मैंने कल बहुत ढूंढा इसी वजह से कल की क्लास हमारी रिस्केड भी हुई बिकॉज आई वॉज आई रियली वॉन्टेड कि मैं उन चीजों को लाकर दिखाऊं बट अब भिंडी का सीजन चला गया अब तो सर्दियां आ है ना तो मुझे वो मिली नहीं बट देख समझा देते हैं जब उसका सीजन आएगा मैं आपको सामने से दिखा भी दूंगी ठीक है एक्साइटेड है आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ नाउ लाइव आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं बहुत सारे क्रैश कोर्स एंड लॉन्ग टर्म बैचेस चल रहे हैं इस फिफ्टी ऑफ के लिए और सिक्स मंथ के एक्सटेंशन के लिए कोड क्या लगाना है सीप्लाइव लगाना है ओके जी चलिए बिफोर स्टार्टिंग में को बता दूं आज शाम को सात बजे दो मेजर अनाउंसमेंट होने वाली हैं बहुत बच्चों को पता भी है but बहुत बच्चों को नहीं भी पता है है तो वो मैं मिनट मिनट के के सेशन में आके आपको पांच के लिए आ जाना बस एक न्यू यूनिट एंड माइंड मैप और फ्लैश कार्ड का गिव अवे है जैसा कि आप जानते हैं नया कल से शुरू करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट वन कल लाइव हो जाएगा इसी समय पर बेस्ट तरीके से बॉटनी समझनी आपने मेरे से जोलॉजी समझी है, genetics भी समझी है बहुत, ecology भी समझ ली है बायो समझ लिया है ह्यूमन फिजियो अगर समझ आई है क्वेश्चन उसके निकल रहे हैं तो प्लांट फिजियो में प्रॉमिस करती हूं आप क्लास कल की लगाकर देखिए आपको एक एक चीज समझ आने वाली है कल चार बजे लाइव इसी चैनल पर दूसरा माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड का गिव अवे अनाउंस कर दिया है लिंक भी पिन कर दिया है फ्लैश कार्ड का गिव अवे कल होने वाला है कल एक टेस्ट लूंगी शाम को छह बजे सेल का कंप्लीट यूनिट दो चैप्टर आ रहे हैं मतलब सेल 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 डिविजन दो चीजों का उसमें आपको एक बच्चे को फ्लैश कार्ड मिलने वाले हैं ठीक है थीके? जरूर आइएगा पार्टिसिपेट करिए गिव अवे में एंड बेटा माइंड मैप्स का परसों होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट के द्वारा मैं माइंड मैप्स का भी गिव अवे करने वाली हूँ आई रियली वॉन्ट कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट लेट मी शो यू एक डिजर्विंग कैंडिडेट ये फ्लैश कार्ड है मतलब ऐसे छह बंडल हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के ये आपके माइंड मैप्स हैं ऐसी छह बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर जैसे मैं आपको अगर एक चैप्टर दिखाऊं सच काइंड ऑफ अमेजिंग माइंड मैप्स आपको मिलेंगे ये बायो का 11th का है ऐसे ही 12th का है फिजिक्स का 12th 11th का है केमिस्ट्री का 12th 11th का है तो ये सारी चीजें आपको कल और परसों के क्लास में किसी एक लकी विनर को डेफिनेटली मिलने वाली हैं तो क्लास में एनरोल कर लेना फ्री क्लास है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ओके जी यस <laughs> yes? चलो हाँ हा हा शुरू करें एनरोल कर लेना दोनों क्लासेस आज कोई क्लास नहीं है स्पेशल कल और परसो है ओके कल बहुत सारी चीजें नहीं है फोटोसिंथेसिस नया है फ्लैश कार्ड नया है परसों भी फोटोसिंथेसिस नया होगा और माइंड मैप नया होगा एवरीवन गेट रेडी विद प्लांट फैमिली सबसे पहले मैं शुरू करूंगी बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैं पहले फैमिलीज डायरेक्टली नहीं आ रही हूं मैं थोड़ा सा मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला टेस्ट लूंगी

फटाफट से चाहिए आपके चैट सेक्शन में जो जो पूछती जाऊंगी फटाफट से मुझे आंसर चाहिए आपके यस yes, सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं फटाफट से बता दो सेपल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इट इट इज इज डिनोटेड बाय कैपिटल के राइट अब ये केलिक्स बेटा जी फ्यूज भी हो सकते हैं जुड़े भी हो सकते हैं और नॉट फ्यूज भी हो सकते हैं अगर बेटा ये फ्यूज निकले तो क्या कंडीशन होगी फटाफट से बता दो यही तो टेस्ट करना है सेपल को केलिक्स बोलते हैं ये दुनिया को पता है लेकिन फ्यूज और अनफ्यूज वाले को फ्री वाले को क्या बोलेंगे यस yes. यस <coughs> yes. ये मैं इसीलिए सिखा रही हूं क्योंकि मैं यूज करूंगी फिर जहां बोलूंगी नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मेन मेन सारा मैं बताती जाऊंगी हां जी फ्यूज वाले को क्या बोलते हैं यही तो नहीं आ रहा कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी नाइस दैट इज कॉल्ड एज गेमोसेपलस अगर ये फ्यूज होंगे अगर ये नॉट फ्यूज होंगे फ्री होंगे यानी कि तो मैं इसको टर्म यूज कर दूंगी पॉली पॉलीसेपलस क्योंकि सेपल है ये ठीक है क्योंकि सेपल है देन हम बात करते हैं पेटल की किसकी बात करते हैं पेटल की पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं करोला बोलते हैं विच इज डिनोटेड बाय सी ये भी बेटा जी फ्यूज हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है फ्री अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग हिसाब है अगर फ्यूज की बात करें तो क्या हमने टर्म यूज की थी गेमो पेटलस गेमो मतलब फ्यूज्ड ठीक है एंड फ्री uh, की बात करेंगे तो क्या टर्म आ जाएगी पॉली पेटिलस अगर फ्यूज होगी कोई चीज तो उसको लिखने का तरीका क्या मान लो पांच सेप्पल है मेरे पास के के बगल में मैंने पांच लिख दिया अगर ये फ्यूज है तो आई विल डिनोट इट विद ब्रैकेट ब्रैकेट लग गया मतलब गेमो वाली कंडीशन है फ्यूज वाली कंडीशन है सेम गोज विद करोला फॉर एग्जाम्पल करोला के लिए मैंने सी यूज किया पांच है

इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रैक्ट बोलते हैं तो जो फ्लार के पास ब्रैक्ट होगा they will be bractate, denoted by br. जिसके पास नहीं होगा चल रहा है दो तरीके की सिमेट्री बेसिकली वैसे तीन होती है दो तरीके की सिमेट्री के बारे में यहां पर बात होगी पहली ये वाली दूसरी ये वाली ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जिसमें मैं फ्लार को मल्टीपल जिसमें बेटा जी मैं फ्लार को मल्टीपल एक्सिस से इक्वल हिस्से में डिवाइड कर सकती हूं दैट टाइप ऑफ सिमेट्री जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक, याद आया एक्टीनो इट इज डिनोटेड बाय प्लस का साइन इन सर्कल अगर आप फ्लार को सिंपली एक ही एक्सिस से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री विच इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट सॉरी परसेंटेज ठीक है परसेंटेज एक्टिनोमॉर्फिक गोले में प्लस प्लस में में मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ प्लस बोले में है यानी तो अलग अलग तरीके होते हैं बेटा लर्न करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको वैसे याद रहे तो वैसे भी कर सकते हैं इतना बेसिक याद था इतना बेसिक याद था सब बच्चों को अच्छा अब थोड़ा सा ओवरी और स्टेमन के बारे में मैं पूछ रही हूँ सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की ओवरी बेटा जी ग्रुप इज कॉल्ड एज गाइनोशियम गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाई जी याद आ रहा है कुछ कुछ यस yes. जी के साथ बेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है अगर मेरी ओवरी ताज पर बैठी है देखो नीचे मैंने एक गद्दी रखी ओवरी को क्या रख दिया जी को गाइनोशियम को क्या रख दिया ऊपर रख दिया देख रहे हो गद्दी पे ऊपर करके बिठा दिया यानी कि मेरी ओवरी सबसे ऊपर है बाकी सब थल्ले थल्ले दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी का मतलब है मैं सबसे ऊपर हूं मेरे को ताज पे बिठा दिया देखो नीचे डंडी बिठा दी है बाकी सब नीचे नीचे बाकी सब नीचे नीचे सब हाइपो सब हाइपो गाइनस हो जाएगा अगर अगर मैं गाइनोशियम के ऊपर ऐसे डंडी लगा दूं ऊपर तो मैंने नीचे दबा दिया अपनी ओवरी को नीचे दबा दिया बाकी सब ऊपर ऊपर यानी कि अब मेरी ओवरी क्या है नीचे हो गई है इंफीरियर ओवरी हो गई है एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपी गाइनस

और नीचे की साइड पर ओल्ड फ्लावर आता है देखो ओ फॉर चैप्टर। एक्रोपिटल बोलते हैं इसका opposite, साइमोज. साइमोज रेस नहीं लगाता हुआ जा रहा है एक लिमिटेड यू नो हाइट तक ही जाएगा जिसमें जो नीचे के प्लांट्स हैं, वो यंग होंगे और ऊपर के प्लांट्स जो हैं, वो क्या होंगे ओल्ड होंगे दिस इज कॉल्ड एज बेसीपिटल अरेन्जमेंट बेसीपिटल अरेंजमेंट रिवाइज हुआ चलिए थोड़ा सा अब मुझे एस्टिवेशन के बारे में बता दीजिए मैं बना रही हूं आप बताएंगे मैंने कौन सी एस्टिवेशन बनाई है एस्टिवेशन समझ गए ना अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल आई एम मेकिंग यू विल टेल मी द नेम फटाफट से बताओ कैन यू टेल मी द नेम बताएं फटाफट से yes, सबसे पहले फटाफट से बताओ फर्स्ट नंबर ऑफ एस्टिवेशन जिसमें मार्जिन टच होते हैं कोई ओवरलैपिंग नहीं है दैट इज 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 कॉल्ड एज वॉलवेट मैं यूज करूंगी टाइप ऑफ जिसमें वन वन मार्जिन मार्जिन एंड एक कर रहा है ओवरलैप और एक हो रहा है ये देखो ये नीचे आ रहा है ये ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन ठीक है ट्विस्टेड एस्टिवेशन एक और जो मैं आज यूज करूंगी वो मैं बताने वाली हूँ yes. हम्म स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखा जिसमें ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बीच वाले को बोलते हैं विंग्स एंड दिस वन इज कील और कैरिना दिस इज कॉल्ड एज आज यूज करेंगे एक फैमिली में वैग्जिलरी एस्टिवेशन याद आ गया चलिए बहुत बड़ा बढ़िया अगली चीज हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं थोड़ा सा एंड्रोशियम इसको भी हम यूज़ करेंगे। आपको पता है अ कलेक्शन ऑफ़ स्टेमन स्टेमन जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है ऐसा बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं हो सकता है ऐसी कंडीशन हो सारे स्टेमन अलग 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 फ्री बैठे हैं सच कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉली एंड्रस हो सकता है बेटा ऐसी वाली सिचुएशन हो नीचे दोनों चीजें आपस में फ्यूज है लेट मी शो यू देख रहे हो एंथर ऊपर वाला एंथर भी जुड़ा हुआ है फिलामेंट भी जुड़ा हुआ है वो यूज करेंगे एक तो ये कि फिलामेंट अलग अलग है और एंथर आपस में जुड़े हुए हैं दैट इज सिंसियस ठीक है एक और कंडीशन यूज करेंगे वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फिलामेंट जुड़ा है और ऊपर से एंथर जो है वो फ्री है दिस इज कॉल्ड एज एडल्फस गुच्छा अब एक एडल्फस हो तो मोनो एडल्फस दो गुच्छे बन जाए तो डाई एडल्फस या पॉली एडल्फस याद रहेगा याद रहेगा मेरे बच्चों चलिए तो ये हो गया अपना बेसिक ऑफ दिस चैप्टर शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर से टॉपिक से टॉपिक शुरू करूं हां जी किस ऑर्डर में हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं किस ऑर्डर में बेटा जी फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं शुरू करें फ्लोरल फॉर्मूला बेटा जी जब भी लिखा जाता है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं जैसे आपको याद है बायोमोलिक्यूल में हमने आ, इसी नंबर किया था एंजाइम कोफिशेंट नंबर जिसमें चार डिजिट होते थे जैसे वन पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट थ्री और यह आपका रिएक्शन कैटालाइज है उसी ऑर्डर में लिखा जाता है आ जाओ सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एस सिमिट्री यस दैट बेटा जी इज कॉल्ड सिमिट्री सबसे पहले सिमिट्री लिखी जाएगी या तो सिमिट्री प्लस होगी कौन सी वाली है अब याद आ जाना चाहिए मैंने पूरा रिवाइज कराया दस मिनट लगा के अब कोई बच्चा मुझे यहां पर वेला बैठा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए आपके हाथ भी चलते रहने चाहिए आपकी नजरें भी चलती रहनी चाहिए और आपके कान भी ये सारे नोट्स वैसे तो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपने टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम मेरे ही नाम से है आप सर्च करेंगे सीप पाहूजा बायोलॉजी ऑफिशियल दो लाख से अधिक बच्चे बेटा उसमें प्रेजेंट है उसी को ज्वाइन करिएगा बाकी सब फेक है सीप पाहूजा बायोलॉजी ऑफिशियल ये नोट्स मिलेंगे बट फिर भी PPF तो करना ही होता है मैम की क्लास में पेन पेपर फोकस आ जाओ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिमेट्री या तो एक्टीनो होगी या फिर क्या होगी होगी सबसे पहले लिखा जाएगा, okay. लिखा जाएगा सिमेट्री ओके नेक्स्ट ऑर्डर में जाता है हमेशा सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी कि क्या प्लांट बाई है या फिर प्लांट यूनिसेक्सुअल है यूनिसेक् या, या तो ऐसे है या फिर ऐसे है कुछ भी हो सकता है सेक्सुअलिटी दूसरे नंबर पर लिखते हैं ऑर्डर चेंज नहीं करना देन हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ सेपल दैट इज केलिक्स केलिक्स विल बी डिनोटेड बाई के के को हम लिखेंगे आइदर इट विल बी गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है या अलग अलग घेरों में भी प्रेजेंट हो सकता है हो सकता है लिखा हो यानी कि दो घेरों में प्रेजेंट है दो वर्ल्ड में प्रेजेंट है सो डिपेंडिंग ऑन दैट विल राइट अबाउट केलेक्स हम लिखते हैं करोला यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल में पे. ग्रुप ऑफ पेटल विल बी डिनोटेड बाय सी ये भी गेमो हो सकते हैं या फिर पॉलीपेटलस हो सकते हैं मतलब फ्री हो सकते हैं फ्यूज हो सकते हैं पांच मैंने जस्ट ऐसे डिनोट करने के लिए लिखा है तीन भी हो सकता है पांच भी हो सकता है कितना भी हो सकता है देन हम लिखते हैं एंड्रोशियम के बारे में डिनोटेड बाय ए एंड लास्ट में हम लिखते हैं गाइनोशियम के बारे में डिनोटेड बाय जी ऑर्डर याद हो गया ऑलवेज सिमिट्री सेक्सुअलिटी केलेक्स कोरोला

ठीक है इसको बोलते पोएसीए देन हमारे पास आ जाते मालवेसी पहले तो ये पता होना चाहिए करना क्या है ये तीन फैमिलीज नहीं है इनको हमें अच्छे से करना है जो फैमिलीज पुरानी है दैट इज है जिसको हम क्रूसी फेरे भी बोलते हैं एंड हमारे पास आती है ये ओल्ड है तो इसको थोड़ा नीचे डाल दो एंड हमारे पास आती है फेबेसी दैट इज लेगीमोसी इसको फैब बोलते हैं ओके जी शुरू करें ओल्ड एंड न्यू न्यू वाली तीन है ओल्ड वाली दो है पांचों करनी है आज शुरुआत करेंगे नई वाले से सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूं एन में से जो हमारी मोनोकॉट फैमिली है अब तो दिख रहा है तुमको इसमें से मोनोकॉट क्या है हां जी अब तो तुम्हें दिख रहा है इसमें से मोनोकॉट क्या है है ना ये तीन फैमिली एड हुई है ना सिलेबस में एंड से कौन सी दिखाई दे रही है so are you ready to start now? Revision हो गया कि नहीं? बताओ फटाफट -फट से। अब मैं चार्ट सेक्शन देख रही हूं बहुत देर से मैंने चार्ट सेक्शन देखा नहीं टेन मिनट्स लेके मैंने आपको सारी टर्म्स रिवाइज कराई हैं जो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ताकि आप लोग हल्ला ना बचाए ये तो मैं आता ही नहीं है ये तो मैं आता ही नहीं है सब करा दिया जो आना है वो करा दिया चलिए शुरू करते हैं फैमिली नंबर वन दैट फैमिली न्यू फैमिली नंबर वन जिसका नाम है ग्रामीण या पोएसी सबसे पहले तो तुम ये याद रख लो ये फैमिली मोनोकॉट्स की फैमिली है इस फैमिली में हमारे इंडिया का स्टेपल फूड आता है जैसे कि व्हीट राइस मक्की ज्वार बाजरा मिलेट्स सारे इसमें आ जाते हैं ठीक है तो ये मोनोकॉट्स की फैमिली है अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन यहां पर देखूं सो किंगडम प्लांट हमें पता है डिविजन कौन सा एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स होते हैं फल और फूल सिर्फ किस में पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं तो हम फूलों के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म होगा क्लास कौन सी होगी मोनोकोटिलेड ने ऑर्डर कौन सा होगा पोएल्स एंड फैमिली कौन सी होगी पोएसिय अब कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर पूछ सकता है क्लास में आपने ये क्यों कराया ये तो आता ही नहीं है पुरानी फैमिली भी थी उसमें भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था ये मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि आपके इस चैप्टर में नहीं चैप्टर नंबर वन दैट इज लिविंग वर्ल्ड के बीच में ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड में जब कराया था ना किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज तो वहां पर एक एग्जाम्पल ह्यूमन का था एक मक्खी का था मक्खी पे सवाल आता है हमेशा मस्का मस्का और प्लांट्स में एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है मैंगो का दिया हुआ है और आपके ग्रास का दिया हुआ है पोएसीए का दिया हुआ है तो ये चीज वहां दी हुई है इसीलिए कोई बच्चा इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ऑर्डर पूछ लिया हमसे तो ऑर्डर तो कहीं दिया नहीं है इट इज गिवन इन लिविंग वर्ल्ड ओके ये बात हमें क्लियर हो गई इकोनॉमिकली बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है ये एंजियोस्पर्म्स की क्योंकि इसमें सार बहुत सारा फूड वाले प्लांट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं बहुत सारे फूड वाले प्लांट्स इंक्लूड करते हैं सिंस सिंस बेटा ये क्या है मोनोकॉट है मोनोकॉट के पास आप जानते हैं फाइबरस रूट होती है रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम है ना और अगर कोई चीज रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट हो रूट रेडिकल के अलावा तो हम उसको रूट भी बोलते हैं वैसे तो वेजिटेटिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते फ्लोरल में बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं यार मुझे नहीं पता कितना डिटेल में जाएंगे मुझे यह भी नहीं पता कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बट मुझे ये पता है अगर टॉपिक दिया है तो करना है तो अच्छे से करो ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता है मैं तो नहीं करा सकती हूँ ऊपर ऊपर से कभी आपने देखा ही है मैम पेपर से पहले भी जब फुल जोलॉजी फुल बॉटनी में कराती हूँ तो मैंने कभी कुछ ऊपर ऊपर से नहीं कराया हर चीज आपको बताया है तो वही मेरा आ, अप्रोच इसके आपकी टीचिंग में भी रहेगा स्टेम कैसी होती है हर्बेशियस पतले-पतले प्लांट होते हैं छोटे-छोटे एंड द स्टेम ऑफ द ग्रास इज कॉल्ड एस स्कल्म लीफ कैसी है अल्टरनेट सिंपल एंड पैरेलल वनेशन पैरेलल वनेशन क्यों होगा इसमें क्योंकि ये मोनोकोट है, है. चलिए अब आते हैं फ्लोरल वाले पार्ट पे फ्लोरल वाले पार्ट <coughs> हाँ जी फ्लोरल पार्ट पे आ जाए बहुत सारा रिसर्च किया बेटा मैंने कोशिश की है आपको बेस्ट तरीके से बता पाऊं इन फ्लोरिसेंस कैसी है इन फ्लोरिस समझ गए ना अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज इन फ्लोरिसेंस अब ये जो मेरी वीट है ना या मेरे पोएसिय है या ग्रामीण है इनकी इनफ्लोरिसेंस तुम ध्यान से देखोगे ना ऐसे स्पाइक्स की फॉर्म में है डू यू सी ये स्पाइक्स है है ना एंड ये स्पाइकलेट्स है ऊपर आपने अगर गेहूं उगता हुआ देखा है गन्ना उगता हुआ देखा है या मेज उगता हुआ देखा है तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है बाजरा कुछ लोग घर में भी ग्रो करते हैं अभी पीछे नवरात्र थे कुछ लोग शायद ग्रो भी करते हैं इस चीज को इस तरीके का आपको इन्फ्लोरसेंस दिखाई देने को मिलता है इस इन्फ्लोरसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट ठीक है स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट ऑल्सो कॉल्ड एज पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स

ये गुच्छा बना के बैठी है मेन एक्सिस पे सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज स्पाइकलेट्स दे फॉर्म डेंस क्लस्टर ऑन द मेन एक्सिस जरा यहाँ पे देखो लुक एट दी स्पाइकलेट्स दिख रही है ऐसे गुच्छे के फॉर्म में डंडी 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 हेयर लाइक थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा अगेन हैव अ लुक एट द स्पाइकलेट्स इसके पास फ्लावर होगा

नए टर्म्स जो आ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है मैं सारे नए टर्म्स को आपको बताने वाली हूं यहां पर क्या हो रहा है कि जो फ्लार है फ्लार के बाहर केलिक्स कोरोला तो होगा ही होगा वो फ्लार का ही पार्ट है साइड पर हम देखते थे कि लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर होते जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं हियर द ब्रैक्ट इज मॉडिफाइड इन टू ग्लूम्स कैन यू सी द ग्लूम ये दिख रहे हैं ग्लूम्स ये क्या है ब्रैक्ट है और मैं आपको यहां पर दिखाती हूं ग्लूम <laughs> Yes. यहां मतलब के तो पर, पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लूम ग्लूम के अंडर आपको दो और ब्रैक्टिवल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसमें अपर एंड लोअर अपर वाले को बोलते हैं पहले एंड लोअर वाले को हम बोलते हैं लेमा लेट मी शो यू पहले एंड लेमा ये देखो ध्यान दो इस वाले डायग्राम में ये मेरी है ये बाहर प्रोटेक्शन के लिए पहले और नीचे क्या दिखाई दे रहा है लेमा डू यू सी दिस इज पेले दिस इज लेमा ग्लूम बाहर ग्लूम के अंदर देखेंगे तो और ब्रैक्ट मिल रहे पहले लेमा पहले लेमा पहले लेमा, पहले लेमा। याद रहेगा याद रहेगा मेरे बच्चों

पहले मैंने देखा ग्लूम्स प्रेजेंट है ये देखो ग्लूम्स जी देन ये दिस पहले एंड देन आई विल सी में क्या होता है है और पेटल फ्यूज हो जाते हैं आपको पता है क्या बनाते हैं टेपल। टेपल के ग्रुप को अभी सिखाया है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल ये नए नाम है याद करने पड़ेंगे कैसे होगा आज नहीं होगा बारी बारी जब हम इसको रीड करेंगे सेशन को अगेन अगेन सुनेंगे तब हम इसको बता पाएंगे दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल अगर मैं बात करूं या एंड्रोशियम की तो तीन प्रस्तुत होते हैं इन अ वर्ल्ड एंड अब आपसे मैं पूछने वाली हूं मैं अरेंजमेंट बताऊंगी आप मुझे बताएंगे इस टाइप का अरेंजमेंट है कैन यू टेल मी क्या है इज दिस दिसनेड्रस इज दिस पोलिया दिस एडल्फस इज दिस पॉलिडल्फस इज दिस क्या है ये मैंने बना दिया मैंने बना दिया यस yes. बताओ 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 मुझे आंसर दिख रहे सबके यस वेरी गुड वेरी गुड द आंसर इज गोइंग टू बी पॉलिया आंसर इज गोइंग टू बी पॉलिंड्रस तो पोलिया कंडीशन हमें यहां देखने को मिलेगी गाइनोशियम देखें तो सिंगल मोनोकारपिलरी ताज में बिठा देना ओवरी को यानी कि जी के नीचे गद्दी लगा देनी है सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस यूनिलोक्यूलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है वेरी गुड केरियोप्सिस हियर द फ्रूट इज डिनोटेड बाय अ स्पेशल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं केरियोप्सिस आपने बेटा कभी छल्ली खाई है छल्ली मतलब दिस भुट्टा इसी को हम लोग छल्ली बोलते हैं या कुछ जगह पर मक्की बोल लो भुट्टा बोल लो एंड छल्ली जब आप छल्ली खाते हैं जब एक कच्ची छल्ली आप लाते हो कौन है ना जब आप कच्ची छल्ली लाते हो तो उसके दाने बड़े टाइटली अटैच होते हैं डू रिमेंबर मान लीजिए छल्ली है इस पे दाने ऐसे 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 जुड़े हो और बहुत टाइटली अटैच है तुम तो अगर एक को खींचोगे ना यू विल सी की जो एक दाना है उसकी जो ऊपर की वॉल है है ना दैट इज कनेक्टेड टू दिस एक्सिस वो जो दाना है वो सीड है सीड का जो कोट है सीड कोट है फ्रूट ना बड़े टाइटली जुड़ा हुआ है सच काइंड ऑफ़ जिसमें जो सीड कोट है वो मेन फ्रूट से बहुत टाइटली जुड़ा होता है जैसे मक्की में आसानी से निकलेगा नहीं बेटा क्योंकि वो जुड़ा हुआ है उसकी आउटर कवरिंग उससे जुड़ी हुई है दैट इज दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज केरियोप्सिस याद रहेगा वेयर फ्रूट वॉल ज फ्यूज सीड कोट वो मक्की का जो दाना है वो सीड है उसके ऊपर जो कोटिंग है वो सीड कोट है वो किससे जुड़ा हुआ है आपकी फ्रूट की बॉल से जुड़ा हुआ है बेटा मैंने इस बच्चे को ब्लॉक कर दिया है मास्टर खाना को आप भी कर दीजिए आपके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे ग्रामीण के दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला सबसे पहले आप मुझे बताएं क्या मैंने यहां पर ब्रैक्ट बनाया है कि नहीं बनाया यस yes. ब्रैक्ट बनाया है कि नहीं बनाया बनाया ना ग्लूम्स पहले लमा बनाए थे बात की थी यानी कि इसमें मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगी इसके पास प्रैक्ट होता है ठीक है अगर मैं इसकी सिमिट्री देखूं फ्लार की सिमिट्री देखें तो ये लंबी एक ही एक्सिस में डिवाइड हो सकता है यानी कि इट इज इजोमोर्फिक इन सिमेट्री ठीक है मैं नीचे भी लेबल करूंगी डू नॉट वरी साथ ही में द दे आर तो हमने लिख दी सेक्शुअलिटी के बाद आता है नंबर केलिक्स और करोला का अगर मैं बात करूंगी केलिक्स की तो इट इज एक्चुअली नॉट देर करोला नॉट देर क्योंकि हमने तो बात की थी यहां पर सेपल और पेटल जुड़ के टेपल बना रहे हैं तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा पेरियां लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा पेरियांथ लिखना पड़ेगा और कितने होते हैं दो बट पेरियांथ को तो नया नाम दिया था हमने नाम दिया था लॉडिक्यूल्स तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगी दिस पेरियांथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल यहाँ तक क्लियर हो गया अब अगली चीज आती है इंजुस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड्रोशियम की बात करें आपने अभी मुझे बताया है कैसी कंडीशन होगी पॉलीएंड्रस फ्री एंड्रोशियम कितने तीन देन गाइनोशियम अभी हमने लिखा कि इसके पास सुपीरियर ओवरी है सुपीरियर मतलब गद्दी पे बिठा दो इसको बिठा दिया गद्दी पे कितनी एक बेसल प्लेसेंटेशन यूनिलॉक्यूलर ओवरी इज प्रेजेंट नाउ लुक एट दिस फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर यहां से देख लो यार ये देखो सबसे बाहर मुझे क्या बनाना है ग्लूम्स देन पहले लेमा तो बनाए एक मिनट अरे छोटा हो जा छोटा हो जा हो गया सबसे बाहर मैंने किसको बनाए व्हाइट कलर के जो बनाए दैट इज ग्लूम ये भी मेरा क्या हो गया ग्लूम देन उसके अंदर मैंने ब्रैक्ट की फॉर्म में क्या देखे पेले एंड लेमा तो लेमा वुड बी लोअर एल फॉर लेमा एल फॉर लोअर एंड दिस वन इज यस अब अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है केलिक्स और करोला तो नहीं है ये मुझे दिख रहे हैं टेपल्स जिनके ग्रुप को हम बोलते हैं पेरियांत, ठीक है ग्रुप को क्या बोलते हैं पेरियांत। मैंने ऊपर लिखे दो तो मैंने यहां पर बनाए हैं दो देन आप देख रहे हैं एंड्रोशियम एंड्रोशियम मेरा बैठा है अलग अलग कोई इसमें कनेक्शन नहीं है है। इज बेसिकली एंड्रोशियम जो मैंने येलो कलर का बनाया डिनोटेड बाय ए देन थ्री एंड बीच में जो हमने सुपीरियर ओवरी बनाई है दैट इज दिस क्लियर क्या सबको फ्लोरल फॉर्मूला ग्रामीण का क्लियर हो गया है बताएं फटाफट से <coughs> ग्रामीण का क्लियर हो गया पॉलिंड्रस एंड्रोशियम है इस तरीके से हम कर चुके हैं फ्री है आपस में जुड़ा नहीं हुआ किसी से नहीं जुड़ा हुआ है और इसमें हमें पेरियां देखने को मिलता है तो ना मैंने कैलिक्स बनाया ना मैंने करोला बनाया यस वन फैमिली न्यू फैमिली डन नई बात इसमें क्या है मैं सबके यूनिक फीचर बताती जाऊंगी जैसे हम एनिमल में नहीं करते हैं यूएफ यूएफ तो यहां का क्या है? जो हमारे लिए काफी नए टर्म्स है, वो चीज है सबसे पहले इन्फ्लोरसेंस दैट इज स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स दूसरी चीज हमने किया कि इस इन्फ्लोरसेंस में जो फ्लार है उसके बाहर मुझे ब्रैक्ट दिखाई देता है दो लेयर्स में पहला मैंने देखा ग्लूम और फिर मैंने देखा पहले एंड देन हमने क्या देखा लेमा

क्रिटिकम हमारा जो वीट है ठीक है शुगर केन कॉर्न बैंबू ये सब आपके ग्रामीण यानी कि पोएसिए के ही एग्जाम्पल हैं मेन तो इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगी वो आएगी फूड वाली कैटेगरी में गेहूं भी हम खाते हैं बाजरा भी खाते हैं आजकल तो मिलेट का ईयर बोला गया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज बिन डिनोटेड एज ईयर ऑफ मिलेट्स तो ये सारे मिलेट्स रागी ज्वार बाजरा इन सबको हम खाते हैं ठीक है सो फूड सोर्स है यहाँ से फॉटर भी बनता है प्लांट्स एनिमल्स के लिए एंड देन बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा शुगर का भी सोर्स है कितना बड़ा सोर्स है बेटा शुगर केन गन्ना मेजर सोर्स ऑफ शुगर और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा आजकल बेटा जी ग्रासेस को यूज किया जाता है आ, शोपीस के तौर पे आप इन अगर कोई Instagram देखता है तो मैं ना आपको आज Instagram पे फोटो भेजूंगी ग्रासेस को कैसे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं ब्राउन से कलर की वो घास घास सी लगते हैं लंबी लंबी एंड दैट इज अ काइंड ऑफ शोपीस इन दीस डेज बहुत ट्रेंडिंग है ठीक है एरोमेटिक ऑयल्स बनते हैं यहाँ से जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल देन बेटा खस ऑयल अल्कोहल एंड बेवरेजेस भी बनती है एंड पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं रोप्स बनते हैं एंड बाम्बू का तो आपको पता ही है बाम्बू से एज अ प्लांट एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट एक तरीके से सजा सजावट के लिए भी यूज किया जाता है एंड साथ में बेटा इससे बोट्स बनती हैं कार्ड पाइप्स बनती हैं ये सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेंगे ठीक चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी एस्टर और कंपोजिटे इसके नाम में इसकी आधी चीजें एस्टर क्या होता है एस्टर का मतलब होता है स्टार तो यहाँ पे स्टार लाइक -like कुछ ना कुछ हमें दिखेगा दूसरी चीज इसके नाम में आ रहा है कंपोजिटे कंपोजिटे मतलब इसमें जो मैं फ्लावर्स देखूंगी वो अकेले नहीं है इकट्ठे इतने सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ बिग काइंड ऑफ जो हम यहां देखेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर है अकेला अकेला नहीं है ठीक है टेन परसेंट ऑफ टोटल दे आर जी आ जाइए अब किंगडम मुझे पता है प्लांट डिविजन एंजोस्पम्प क्योंकि फल और फूल सिर्फ एंजोस्पम्प में होते हैं क्लास कौन सी हो जाएगी मेरे पास डायकॉट देन एस्टरेल्स इज द ऑर्डर एंड फैमिली तो हम कर ही रहे ही ओके जी चलिए आगे आते हैं इसको बेटा जी सनफ्लावर फैमिली बोली जाती है क्योंकि सनफ्लावर मै, मैरी गोल्ड ये सब इसमें आ जाएंगे रूट की बात करें तो ये डायकॉट है दाइकौट के पास कौन सी रूट होती है टैप रूट होती है वो मोनोकॉट था बेटा ये क्या है डायकॉट महा फाइब्रस रूट थी यहां कौन सी रूट है टैप रूट स्टेम बेटा जी हर्बेशियस ठीक है लीव होगी ऑल्टरनेट सिंपल एंड यहां पर जो अपना रेटिकुलेट विनेशन चलेगा आ जाओ यस yes. मैंने बात की थी कि ये स्टार लाइक -like है और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है दिस काइंड ऑफ आप देख रहे हैं ये कैसे सी ये एक फ्लावर नहीं है बेटा मल्टीपल फ्लॉर्स है ये कुछ फ्लावर ऐसे आपको छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ फ्लावर पीछे बड़े 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 दिखाई दे रहे हैं डू यू सी तो इस तरीके का इन्फ्लोरिस जिसमें ऐसे डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है

और ब्यूटीफुली तुम्हें दिखाई देगा ये मल्टीपल फ्लावर्स एक तरीके का कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर आपको दिखाते हुए नजर आते हैं तो ये बात हो गई इनफ्लोरिसंस ऑफ एस्टेरेशिया की अब यहां पर मेरे पास दो तरीके के फ्लावर्स हैं एक टाइप के नहीं है इसको जरा मैं जूम करके देख रही हूं ये भी फ्लावर्स की कैटेगरी में आएंगे एंड बीच में भी मुझे बेटा अलग टाइप के फ्लावर तो यहाँ पर दो फ्लोरल फॉर्मूला हम करेंगे एक वो पीछे जो येलो कलर की पत्ती दिखाई दे रही है उसका फ्लोरल फॉर्मूला वो भी एक फ्लावर है और ये जो बीच में तुम्हें डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसका फ्लोरल फार्मूला तो ये जो बाहर तुम्हें दिखाई दे रहे ये वाले फ्लार्स दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट एंड ये जो अंदर तुम्हें डिस्क टाइप ऑफ फ्लार्स दिखाई दे रहे हैं दिज आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट तो हमारे कैपिचुलम के पास कैपिचुलम इज इन फ्लोरिस दो तरीके के फ्लावर्स होंगे रे फ्लोरिट्स रे मतलब रेज समझ रहे हो ये रेज है सूरज की किरणें तभी सूरज मुखी है ये जो पीछे येलो येलो दिखाई दे रहे हैं वो वाले फ्लावर हो गए रे फ्लोरेट जो बीच में गोल 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 दिखाई दे रहे हैं डिस्क फ्लोरेट सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इज दिस क्लियर तो यहां पर एक टाइप का फ्लावर नहीं है बहुत सारे मिलके मिलकर पूरा इन बना रहे हैं सो वी विल डू टू फ्लोरल डायग्राम्स ओवर और नो। एवरीवन इज विद मी टिल नाउ। प्लीज़ टेल मी। एवरीवन इज विद मी टिल नाउ और नॉट। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं आप पीडीएफ बिल्कुल सेंड कर देंगे लेकिन आप थोड़ा थोड़ा लिख भी लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें तो आपके लिए भी थोड़ा भला हो जाएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो ग्लू पहले पे क्या पिछले हाँ जी तो दो तरीके के फ्लॉर्स हम करेंगे सबसे पहले आता है इसका आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड एज केलिक्स केलिक्स इसका कैसा है देखिए बेटा केलिक्स की अगर मैं बात करूं ना इट इज लाइक अ पापस पापस मीन्स हेयर लाइक क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट जब मैं आपको रिवाइज करा रही थी मैंने पैपस के बारे में नहीं बताया ये देखो। ये देखो जो तुम्हें दिखता है ये सनफ्लावर फैमिली में ही दिखता है तो ही है तो यही मेरी सनफ्लावर फैमिली बच्चों जहां पर मुझे ये देखो हेयर लाइक केलिक्स है दिख रहे हैं बाल बाल कैसे छोटे शुट छोटे बाल बाल दिखाई दे रहे हैं दिस हेयर लाइक केलिक्स इट इज कॉल्ड एज पैपस ठीक है तो मैं यहाँ पर के बगल में नंबर नहीं लिखूंगी ये नंबर थोड़ा गिन सकते हैं इनका इतने छोटे चुट छोटे बाल हैं वी कैन नॉट काउंट द नंबर हम यहां पर कैसे डिनोट करेंगे के, के बगल में बस पी लिख देंगे पी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ओके okay? नंबर नहीं गिन सकते फायदा क्या है इनका फायदा है कि दे विल हेल्प इन द डिस्पर्सल ठीक है डिस्पर्सल में हमारी मदद करेंगे तो केलिक्स इसका खास बात होगी देन बात करते हैं करोला की करोला बेटा यहाँ पर क्या है फ्यूज्ड है फ्यूज्ड को आपको पता है क्या बोलते हैं गेमोपेटलस ये मैंने आपको जस्ट सिखाया फ्यूज है इसको गेमो पेटेलस बोलेंगे Then, androsium. Androsium की अगर मैं बात करूं तो दोनों में अलग अलग है वाले फ्लार में जीरो, एक भी नहीं होता, और जो वाला है, उसमें आपके ठीक है कंडीशन कैसी है इस तरीके की कंडीशन है ये मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया है अगर आपके एंथर जुड़े हों फिलामेंट लूज हो इसको हम बोलते हैं सिंजेंसियस कंडीशन ओके जी देन आपका कोरोला और एंड्रोशियम आपस में बेटा दे आर अटैच्ड दिस इज कॉल्ड एज एपी पेटल एडिशन हो रहा है बेटा एंड्रोशियम का किसी और फ्लोरल पार्ट से दैट इज कॉल्ड एज एपी पेटल एपी पेटल के साथ हो रहा है तो एपी पेटेलस गाइनोशियम की बात करें तो इन्फीरियर ओवरी हमें यहां दिखाई देगी तो आ जाए बेटा फ्लोरल फॉर्मुला पे ये yes. फिर मैं आपको इसका डायग्राम भी समझाऊंगी आ जाओ रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा रे फ्लोरेट अब तुम खुद बताओ ये तुम खुद बताओगे रे फ्लोरेट ये है दिस इज रे फ्लोरेट दिस इज रे फ्लोरेट इसकी सिमेट्री तुम खुद बताओ बताओ क्या होगी क्या इसको किसी भी एक्सिस से काटो तो इक्वल हिस्से बन जाएंगे ये पत्ती है इतनी लंबी सी नीचे से पतली होती है ऊपर से चौड़ी होती है क्या इसको किसी भी एक्सिस से काटो तो इक्वल हिस्से हो जाएंगे या फिर इसको एक ही एक्सिस में से काटना पड़ेगा तभी इक्वल हिस्से होंगे

के पास ब्रैक्ट है ओके देन रे फ्लोरेट के पास इक्वल हिस्से में तुम हर एक्सिस में नहीं डिवाइड कर सकते एक ही एक्सिस में कर सकते हो सो ज़ाइगो मॉर्फिक सिमेट्री, यहां पर जो सिमेट्री आएगी वो आएगी एक्टिनो देन हमने बोला कि इसका जो केलिक्स है ना वो हेयर लाइक -like है कैसा है केलिक्स हेयर लाइक -like. इस हेयर लाइक -like को हम क्या लिखते हैं पापस तो क्या मैं यहां पापस लिख सकती हूं यस yes. तो मैंने यहां पर भी क्या लिख दिया पापस अभी तक मैंने सिर्फ सिमिट्री डिफरेंट करी है और कुछ डिफरेंट नहीं किया है आ जाओ देन आपका आता है कोरोला कोरोला यहां पर क्या है फाइव है एंड यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं फ्यूज दैट इज गेमो पेटल एंड्रोशियम रेफ्लोरेट के पास नहीं होता है जीरो एंड देन हमारे पास आएगा गाइनोशियम जो कि इंफीरियर ओवरी है ियर मतलब नीचे बैठी है एक सेक्सुअलिटी हमारी लिखनी रह गई एक मिनट रुको लेट मी जस्ट डू इट डोंट वरी ये वाला प्लांट बेटा जी एंड्रोशियम नहीं है तो सिर्फ फीमेल प्लांट होगा ना तो नीचे डंडी आएगी बाइसेक्सुअल तो नहीं हो सकता रे फ्लोरेट हाँ 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 यस समृद्धि याद आ गया सेक्सुअलिटी भी डाल दी मैंने अब ठीक है इधर भी सेक्सुअलिटी डाल देते हैं थोड़ा सा इसको इधर किया एंड यहां पर ये है बाई सेक्षुल. यहां तक क्लियर चलिए डिस्क फ्लोरेट में पापस के बाद आता है अपना केले दैट इज गोइंग टू बी करोलाइव है ना एंड देन आपका आएगा एंड्रोशियम अगेन एंड देन आपके फ्यूज एंड ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताया एपीपेटेल कंडीशन है एंड देन आपके पास आ जाएगा गाइनोशियम विच इज इंफीरियर ओवरी एंड बाई कार्पीले अब डायग्राम में से दिखा दू डायग्राम देखिए रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम देखिए सबसे पहले इसके पास जाइगोमोरफिक तो सिमेट्री हो गई कोई भी एंड्रोशियम नहीं है क्या मैं पैपस बना सकती हूं पैपस नहीं बना सकते तभी मैंने ना यहां पर ऐसे डॉटेड डॉटेड ले लिया क्योंकि पैपस इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको कोई नंबर नहीं है इसीलिए वहां डॉट 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 लगा दिया समझ गए कि डॉट क्यों लगाया मैंने क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है बेटा पैपस तो कितने भी हो सकते हैं ये देखो अब इसको गिनने थोड़ा बैठेंगे इसकी गिनती हो ही नहीं सकती तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट डॉट लगा दिया ठीक डॉट डॉट लगा दिया छोड़ दो अब बेटा अंदर की साइड पर आइए अंदर की साइड आइए दैट इज गोइंग टू बी पेटल्स कितने पांच fused, एक, दो, तीन, चार पांच मैंने यहाँ पर क्या बना दिए फ्यूज जुड़े हुए दैट इज गेमो पेटल अब अंदर आ जाओ एंड्रोशियम कुछ भी एंड्रोशियम के नाम पे है ही नहीं खाली है रे फ्लोरेट है ना नो एंड्रोशियम जीरो देन आ जाइए आपकी ओवरी दिस इज गोइंग टू बी बाई कार्पुल इनफीरियर एपिगाइनस ओवरी ठीक सो तो ये हो गया मेरा जी टू फ्यूज एज वेल एज इंफीरियर कोई मेरे पास एंड्रोशियम नहीं है ये डायग्राम हो गया रे फ्लोरेट का अब आ जाइए डिस्क फ्लोरेट पे मेरे साथ करिए दिख रहा है इधर आ जाती हूं मैं डोंट वरी हाँ जी सबसे बाहर क्या होता है केलिक्स केलिक्स बेटा पैपर्स के फॉर्म में तो डॉट डॉट लगा दिए क्योंकि नंबर का कोई हिसाब नहीं हो सकता उसमें अब आते हैं अंदर हमारे कोरोला पे कोरोला मैंने कितने बताए पांच बताए एंड फ्यूज देख लो एक दो तीन चार पांच फ्यूज है जुड़े हुए हैं आपस में कनेक्शन है बीच में आपस में सब में ठीक है ब्रैकेट का मतलब समझ आ गया देन आता है एंड्रोशियम कितने फाइव फाइव आपस में बेटा जी एंड्रोशियम में क्या है जुड़े हुए हैं कंडीशन है आंसर जुड़ा हुआ है फिलामेंट ओपन है अब बेटा जी ये जो एंड्रोशियम है ना दिस इज कनेक्टेड टू केलिक्स एज वेल दिख रहा है डंडी 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 इसका कनेक्शन केलिक से भी है दिस इज कॉल्ड एस एपीपेट कंडीशन इसीलिए मैंने यहां पर आर्क बना दी कि मेरा जो एंड्रोशियम है वो किसी और के साथ भी एडिशन कर रहा है और सेंटर में मैंने क्या बनाया है और ये मेरी so, ये बात हो गई मेरी की मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर पापस ठीक है ओके okay. अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा ये मेरी सनफ्लावर फैमिली है ये सारे प्लांट्स इसमें आते हैं फूड के तौर पे यूज होता है आप सब uh, का बर्गर खाए मैकडी का जब बर्गर मैक वेजी मील खाते हैं उस बर्गर में बेटा जी लेटस लगा होता है देखा ऐसा ही प्लांट लेटस बर्गर में लगता है सैंडविचेस में लगता है कहीं का भी अगर आप बर्गर खाएं आपको लेटस दिखाई दे जाएगा तो ये फूड की कैटेगरी में आ गया है, है ना तो लेटेस्ट बेटा एज अ फूड यूज होता है विच बिलोंग्स टू दिस फैमिली देन इस फैमिली के कुछ मेंबर्स डाई में भी यूज कर यूज किए जाते हैं देन बेटा जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जैसे कि सनफ्लावर मैरीगोल्ड इसको जब हम गुलदस्ता देते हैं किसी को बनाकर शादी पे जन्मदिन पर बुके देते हैं यानी कि उसमें भी हम इन प्लांट्स को यूज करते हैं एंड देन बेटा जी ऑयल बनता है यहाँ से एंड कुछ कुछ मेडिसिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम दिस प्लांट बेटा सेशन अच्छा लग रहा है समझ भी आ रहा है तो एक लाइक like नहीं किया आपने मैंने बोला नहीं तुमने किया नहीं <laughs> मैंने बोला नहीं तुमने किया नहीं तो फटाफट से बेटा लाइक कर दो बेटा मदर रिप्रेजेंट करती है जिसके अराउंड आप सारे फ्लोरल वर्ल्ड बनाते हैं ठीक है सारे वर्ल्ड आप बनाते हैं सो दैट एक्सेस के सेंटर में गाइनोशियम एंड्रोशियम कोरोला केलेक्स एंड देन अल्टीमेटली आपके बाहर इफ समथिंग इज प्रेजेंट यस yes, फटाफट से लाइक कर दो किया नहीं है क्योंकि अब हम एंटी के हिसाब से जो मेरी तीसरी फैमिली है कहां गई ये तीन फैमिली है ना, जो एड हुई है ग्रामीण चलो माल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मालवेसिये जी ओके किंगडम प्लांट डिवीजन ट्रैक्यो क्लास ये है ऑर्डर की बात करें तो मालवेल्स एक मिनट मी राइट मालवेल्स एंड फैमिली बेटा मालवेश okay क्या -क्या के बारे में <coughs> कुछ कुछ बात है वो हम आज निकालेंगे सबसे पहली चीज बेटा जी आएगी सेक्शुअलिटी ये बाई सेक्शुअल फ्लॉर्स है इनको जब तुम काटोगे तो तुम मल्टीपल प्लेन से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो इसके फ्लॉर को सो दैट मीन इट इज एक्टीनोमोरफिक फ्लॉर

वो किया था मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा कोई बात नहीं मैं आपके साथ शेयर करूंगी द थिंग इज मान लीजिए बाहर का केलिक्स है केलिक्स के बाहर एक और लेयर छोटी छोटी पत्ती की बनी होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एपिकेलिक्स बोलेंगे कितने होंगे तीन से सात तक बेटा जी इसके पास एपिकेलिक्स भी हैं मतलब जब मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं के से पहले इसको डालूंगी ईपी को डालूंगी दिस इज डिनोटेड बाई ईपी ठीक है के से पहले एपिकेलिक्स और किसी फैमिली में नहीं है और किसी भी फैमिली में एपिकेलिक्स केलिक्स के बाहर एक एडिशनल लेयर नहीं प्रेजेंट है देन आता है बेटा इसका केलिक्स पांच होंगे आपस में जुड़े होंगे हो दैट मींस केमोसेपलस फ्यूज्ड है कोरोला की बात करें तो फाइव होंगे एंड बेटा जी फ्यूज्ड नहीं होंगे इनका एस्टिवेशन ट्विस्टेड होगा क्यों तुम्हें रिवीजन कराई थी स्टार्टिंग में ट्विस्टेड वॉलवेट क्यों कराई थी ताकि आप ये समझ पाए ट्विस्टेड है where one portion is getting overlapped, और एक ओवरलैप करता है ये 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 हो हो रहा 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 है, हो रहा है, कर रहा है, कर रहा है कर कर आपको इसका मिल जाएगा एंड्रोशियम की बात करें तो मोनो एडल्फस गुच्छे में है गुच्छा कैसे जुड़ा हुआ है फिलामेंट जुड़ा है एंथर इसका फ्री है और सिंगल गुच्छा प्रेजेंट है इसीलिए मोनो एडल्फस ये लाइन एनसीआरटी में है

ये सब मालवी से भिंडी फैमिली है कॉटन फैमिली है ये जैसे सनफ्लावर फैमिली एस्टरेशी है वीट फैमिली मेरी ग्रामीण है तो भिंडी फैमिली भिंडी और कॉटन ठीक है जी देन गाइनोशियम बेटा गद्दी पे बिठाया हुआ है गाइनोशियम को गद्दी बिठाने का मतलब है इट इज गोइंग टू बी सुपीरियर हाइपोगाइनस ओवरी चलो

लोक्यूल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है आप जब कॉटन का भी पेड़ देखेंगे ना कॉटन का फूल देखेंगे जब कॉटन निकालते सारी कॉटन एक साथ नहीं निकल जाती कंपार्टमेंट्स बने हुए एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड लाइक दिस द फ्रूट इज प्रेजेंट इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ओके okay? चलो अब फ्लोरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं इसके पास भी ब्रैकट प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे ब्रैक्टेट सिमिट्री अभी मैंने तुम्हें तो बताई एक्टिमोर्फिक

आपको समझना आएगा आपको डायग्राम दे देंगे और कहेंगे पहचानो तो जब तुम्हें बाहर कोरोला केलिक्स के बाहर भी कोई आइटम दिख जाए तीन से सात नंबर में थ्री टू एट में तो वो एपिकेलिक्स है और वो फैमिली आपकी मालवेसिये है मालवेशिया के पास एपिकेलिक्स होता है याद रखना है ठीक है चलो यहां मुझे एक एक्स्ट्रा एक लेयर दिख रही है तो एपिकेलिक्स यहीं से पहचान हो गई कि ये मेरी कौन सी फैमिली है फैमिली है देन इसके अंदर आ जाइए ये मेरा केलिक्स है फ्यूज है ये देखो जुड़ा हुआ है दिस इज जुड़ा हुआ है चलो ये वाली बात हो गई क्लियर देन आता है कोरोला ये मेरा कोरोला है इज ट्विस्टेड ट्विस्टेड फ्री है है और twisted है, तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया फ्री है ट्विस्टेड हम पहले लिख चुके हैं देन आ जाते हैं एंड्रोशियम यह देखिए बेटा गुच्छे की फॉर्म में मेरा सारा एंड्रोशियम है मोनो एडल्फस कंडीशन ठीक है ये जो एंड्रोशियम है ना दिस इज कनेक्टेड टू पेटल एज वेल ध्यान दो ये जो एंड्रोशियम है ये पेटल से भी कनेक्टेड है मतलब मुझे अब ऊपर क्या बनानी पड़ेगी आर्क और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं व्हेन एंड्रोशियम शोज विद द यस क्या बोलते हैं सिखाया है शुरुआत में तभी पूछ रही हूं ऐसे नहीं पूछ रही हूं पूरे चैप्टर में क्या वेरी गुड भूमि 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 एब्सोल्युटली राइट दिस इज कॉल्ड एज एपी कंडीशन Addition show कर रहा है, है ठीक जी, चलिए, बढ़िया। आ, उसके अंदर आ जाइए, तो तो कितनी भी हो सकती है क्लियर फ्लोरल फॉर्मुला ऑफ फैमिली नई चीज हमने इसमें क्या सीखी पहला एम फॉर एम फॉर मोनोएडल्फस ये बहुत इंपॉर्टेंट है

इसका एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं ये जैसे मैंने तुम्हें बताया ना इसके फ्रूट में मुझे मल्टीपल लोक्यूल्स दिखते हैं आपने कोई भिंडी काटी है अगर आप भिंडी को काटेंगे ये मान लीजिए ये भिंडी है आपकी मम्मी ने आपको बोला मेरे साथ भिंडी कटवा दे तो आपने कल बोला ठीक है कटवा देता हूं जब आप भिंडी को काटेंगे आपको ना मल्टीपल ऐसे कम्पार्टमेंट दिखते हैं और उसमें बीज 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 बीज, बीज, बीज दिखते हैं डू यू रिमेंबर कटिंग भिंडी और ऐसे उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं सारी ऐसे गोल नहीं होती है How, uh, ठीक है जी? Yes. तो ही मुझे आपको बताना था कि लोक्यूल आपको ऐसे भिंडी में भी दिखाई देते हैं दूसरा बेटा मालवीसी फैमिली के मेंबर थोड़े म्यूसिलेजनस होते हैं म्यूसिलेजनस होते हैं आपको है, ये भिंडी काटते हैं तो सारे हाथ में वो चिप चिप, चिप, चिप

बैग्स, बनते हैं, फ्रॉम एडिबल ऑयल बनता है, वेजिटेबल्स के तौर पे जैसे भिंडी यूज हो रही है ऑर्नामेंटल में एंड मेडिसिनल वैल्यू भी है कुछ प्लांट्स की मेन मैंने याद कर लो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अब आती है मेरी पुरानी दो फैमिलीज मैंने तो बोला टोटल पांच फैमिली सिलेबस में है. है ना पांच फैमिली सिलेबस में है ग्रामीण मालवेश न्यू है लेग्यूमिनोसिय एंड ओल्ड है अब ये तीन मैंने तुम्हें करा दी क्या मैं छोटा सा रैपिड फायर अभी ले सकती हूं इसको कराने से पहले छोटा सा रैपिड फायर राइट नाउ बस मैं नाम बोलूंगी तुम्हें बताना ये किसको बिलोंग करता है यस कैन आई टेक वेरी स्मॉल रैपिड फायर राइट नाउ जस्ट टू चेक तुम्हें कितना याद हुआ चीटिंग नहीं करना चीटिंग नहीं करना आंसर मैं बताऊंगी हाँ जी एक छोटा सा रैपिड फायर अभी लूंगी मैं हां जी ओके सो वी ऑप्शंस आपके तीन ही रहेंगे ग्रामीण एंड uh, योर सबसे पहले आपको मुझे बताना है आपको मुझे बताना है पापस पापस किस फैमिली में मिलते हैं कम कम ऑन विद विद इन इन आंसर शुड आप बस ग्रामीण को जी आर लिखो कंपोजिटे को सीओ लिखो इसको एम ए लिखो मैं इतने समझ जाऊंगी जी आर सी एम ए बस मैं इतने से समझ जाऊंगी फटाफट से बता दो हां जी मैंने आपसे क्या पूछा पापस किस फैमिली में मुझे दिखाई देता है

मालवेसी में देखने को मिलता है देन आपसे पूछने वाले सिंजेंसियस सिंजेंसियस टाइप ऑफ स्टेमन मुझे किस वाले फैमिली में दिखता है सिंजेंसियस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन सिंजेंसियस पता है ना मैं बना देती हूं आपके लिए जिसमें एंथर जो है वो जुड़े होते हैं फिलामेंट जो है वो फ्री होता है सिंजेंसियस कम ऑन चीटिंग कर रहे हो मुझे पता चल रहा है दैट इज इन

इन तीनों में से किसके पास polyandrous, polyandrous, हाँ, है स्टेमन है पॉली स्टेमन है आपके सामने बना भी दिया खुला खुला बैठा है खुला खुला बैठा है देर इज नो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं हुआ आपस में किसके पास है ग्रामीण इनमें से कौन सी फैमिली है जिसके पास ब्रैक्ट के नाम पे पहले जिसपे ब्रैक्ट के नाम पे पहले एंड लेमा है यस yes, कौन सी फैमिली है जिसमें बाहर ब्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यस कम ऑन दैट इज ग्रामीने फैमिली जिसमें ग्लूम्स हैं पहले है लेमा है पहले पहले ऊपर वाला लेमा नीचे वाला लो फॉर 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 एल फोर एल लोअर लेमा एंड देन आपको अंदर स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स दिखाई देते हैं देन कौन सी वाली फैमिली है जिसमें कैपिटलम नाम की इन है कैपिटलम नाम की इन किसमें है <laughs> इन तीनों में से कैपिटलम नाम की इन बेटा जी किसमें प्रस्तुत है यस, yes. बताओ क्या कंपोजिटे और एस्टरेशिए अब ये भी बताओ कितनों ने चीटिंग की हाथ खड़ा करके अगर एक भी आंसर तुमने देखा है तो पिंक वाली वो जो पिंक वाला हाथ है ना उस वो खड़ा हो जाना चाहिए आपका हैंड्स अप जिसने एक भी देखा है कोई बात नहीं मैं नाम नहीं पढ़ूंगी बस मैं ऐसे वो देख रही हूं कितने लोग ने चीट की है

अच्छा ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाउजा बायोलॉजी पर मिलेंगे उसकी आ जो सिमेट्री आ जो <coughs> है दैट जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक मतलब सिर्फ एक ही डंडे से एक ही एक्सिस से आप इसके फ्लावर को डिवाइड कर सकते हो इनटू इक्वल पार्ट्स मल्टीपल नहीं कर सकते हो सो दिस इज डिनोटिंग जाइगोमॉर्फिक

तभी यहां पर करवाया था डू यू रिमेंबर यही है इसमें टू प्लस टू प्लस टू वन प्लस टू प्लस टू पर वाला वन है वन प्लस टू प्लस टू नीचे के जो कील देखोगे वो जुड़े हुए आपस में है ना तो मैंने इसके में ब्रैकेट बनाया है ये भी फ्री है ये भी फ्री है ये तो एक ही है स्टैंडर्ड तो तो ये तो फ्री होएगा ये बेटा फ्री बैठे हैं विंग्स और नीचे के जो कैरीना है दैट इज द कील वो क्या है आपके जुड़े हुए हैं तो लेग्युमिनोसी यही ऐसी फैमिली है जिसमें जिसमें बेटा जी लेट मी कम बैक कहां गया लेग्युमिनोसी ऐसी फैमिली है जिसमें बेटा जी जो हमारा कोरोला है दैट शोस वैक्सिलरी एस्टीवेशन ओके जी ठीक है एंड्रोशियम की बात करें तो इसके पास दो गुच्छे बनते हैं पहला गुच्छा नौ तो इसको हम बोलेंगे डाई एडल्फस कंडीशन नाइन प्लस वन जो नाइन है वो जुड़े हुए हैं वन फ्री है अभी मैं दिखाऊंगी गाइनोशियम को गद्दी बिठाया हुआ है यानी कि जो है 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 वो मेरा सुपीरियर एंड सिंगल हमारे पास ओवरी नाउ लुक एट दिस डायग्राम डायग्राम फ्लोरल दिख रहा है? चलो शुरू करें लेबल करना मेरे साथ साथ लेबल करें ये जो बाहर की साइड पे तुम्हें दिखाई देख दे रहा है दिस इज गोइंग टू बी द सेपल सेपल सारे आपस में क्या है जुड़े हुए हैं देखो कनेक्टेड है तो पांच है तो मैंने इसके आगे लगा दिया ब्रैकेट दैट इज गेमो से प्लस कंडीशन अब आ जाइए बेटा अंदर करोला पे करोला मैंने बोला वेगिलरी एस्टिवेशन है ये स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील जुड़ा हुआ ना यस yes. सो दिस इज वेरी इसके करोला के पास वन प्लस टू ब्रैकेट लास्ट वाले के नीचे ब्रैकेट आएगा ये इंपॉर्टेंट है तो ये वाला अपना अरेंजमेंट है क्योंकि नीचे वाले दो जुड़े हुए हैं एंड्रोशियम में आ जाइए मैंने मतलब बोला दो गुच्छे बनेंगे ये नौ का एक गुच्छा ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन आ गया गिन दिया मैंने तुम्हारे सामने नाइन प्लस वन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन नाइन प्लस में जुड़े हुए हैं एक जो है 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 वो में कंडीशन जिसमें नोक आपस में जुड़े हुए हैं एडल्फी कंडीशन में और एक अलग है वो हमारे लेग्योमोसिय में है और ये मेरी हो गई उवरी. Yes, <coughs> यस तो सुपीरियर के दो हमारे तो ब्रैकेट लगेगा चलिए तो इसमें भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं लेग्यूम्स है ना तो राइजोबियम के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग इनके पास प्रॉपर्टी होगी देन हमारी दालें सारी मूंग सोयाबीन

डाई भी बनती है कुछ प्लांट्स पॉटर के तरीके से भी यूज किया जाता है और ऑर्नामेंटल भी इनकी वैल्यू है तो ये बात हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की आ जाओ आगे <coughs> ये सारे प्लांट्स बेटा अपने यानी कि के मटर देख रहे हो ना मटर बेटा सारी दालें ये सब हमारे लेग्यूमिनोसी में आ जाएंगे खास बात क्या है लेग्यूमिनोसी की खास बात ये है कि इसके पास डाई कंडीशन है दूसरा इसके पास वेगरी एस्टिवेशन वाले कोरोला प्रेजेंट है हाँ जी अब आ जाते हैं लास्ट फैमिली दैट इज योर मस्टर्ड फैमिली या क्रूसी इतना तक समझ आ गया तो लाइक कर दो बस लास्ट है फिर छुट्टी आपने एनरोल कर लिया बेटा ये माइंड मैप वाली क्लास में फ्री माइंड मैप एंड फ्री फ्लैश कार्ड कल की क्लास में एक बच्चे को फ्री फ्लैश कार्ड मिलेंगे ये देख लो अमेजिंग फ्लैश कार्ड ने इससे बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन होता है लाइक like दिस ऐसे इलेवेंथ के भी ट्वेल्थ के भी फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी बायो पूरा सेट देने वाली हूं मैं कल एक बच्चे को एंड परसों की क्लास में माइंड मैप्स मिलने वाले हैं एक बच्चे को माइंड तो तुम्हें पता ही है कितने अमेजिंग है कह रहे है एक बच्चा हम ताश खेल लेंगे इससे मैं क्या बेटा इतना समय है ताश खेलेंगे हां जी लिलीएसी इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बेटा ये जो बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं लिलिये सी है। मैं सिलेबस के हिसाब से चल रही हूँ ये देखो ये सिलेबस एन टी जो बोल रहा है सराखों पे सिलेबस में था था कर लिया, है था, कर लिया है था, कर लिया यानी कि रहे है। में नहीं है तो प्याज लसन इन्होंने निकाल दिया सातवी को थोड़े से है ना बेटा सात्विक हो गए तो है उसमें तो वो निकाल दिया <laughs> हमारी एनटी कहनी मैं बड़ी सात्विक हो गई हूँ मैं ये सब नहीं अब बच्चों को पढ़ाऊंगी ओके मूविंग ऑन टू ब्रासी केसीए। हाँ जी समझ आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो एंड uh, शुरू करते हैं लास्ट फैमिली देखिए अगर आपने सेशन शुरू से नहीं सुना है तो डिफिकल्टी होगी शुरू से सुने थोड़ा सा अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा मदद होगी एंड आई है डिफिकल्ट से टॉपिक को समझाने की एंड uh, लेकिन मैंने बोला था पेशेंस लगेगा आपका भी एनर्जी लगेगी आपकी भी इंटेंसिटी होनी चाहिए आपकी भी आके कहेंगे नहीं आया नहीं आया तो नहीं आएगा लेकिन आके समझने की इंटेंसिटी से बैठेंगे तो सब समझ आएगा ठीक है जी यस yes. और सब बच्चे जो भी यहाँ सेशन देख रहे हैं सेशन में मुझे कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई बिलीव कि मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की जिसमें से सवाल बन सकता है इससे बाहर तो नहीं आएगा तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे ना तो एक कमेंट सब बच्चे करके जाना ऐसे मत जाना कमेंट ही एक वो चीज होती है जिससे टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चों ने देखा पूरा एंड दे लाइक डिट तो एक मेहनत जो है वो यू you नो know, अच्छा लगता है मोटिवेशन है हमारे लिए भी आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है हाँ जी चलिए ब्रासिक एसियन क्रूसी फेरी दिस इजर मस्टर्ड फैमिली इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से जाना जाता है मस्टर्ड फैमिली ये जो सारे प्लांट्स है ना मैं दिखाती हूँ ये सारे प्लांट्स मेरे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ठीक है मस्टर्ड फैमिली है मेरे मेरे ये ये सब मेरे, इस family को करेंगे अब जरा ध्यान दीजिए बेटा इसका floral diagram, uh, formula. ये मैंने लिख दिया यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है आप इसको इक्वल पार्ट्स में मल्टीपल एक्सिस में डिवाइड कर सकते हो बाइस है देन केलिक्स की बात करें टू प्लस टू मैंने ब्रैकेट कहीं नहीं लगाया पोलीसेपलस है क्या है पोलीसेपलस फ्री है मतलब टू प्लस टू के लिखा दो घेरे में अगर मैं यहाँ पर फोर लिख देती तो एक ही घेरे में चार होते अब मैं कह रही हूं दो घेरे में प्रेजेंट है दैट इज वाई टू प्लस टू कोरोला के नीचे मैंने लिखा चार चार है फ्री प्रेजेंट है कोई आपस में कनेक्शन नहीं है यानी कि ये पॉली पेटेलस गैमोपेटेलस नहीं है एंड्रोशियम की बात करें ये भी दो घेरे में प्रेजेंट है टू प्लस फोर फ्री है बिल्कुल एंड गाइनोशियम को यानी कि ओवरी को गद्दी पे बिठा दिया है ओवरी ऊपर चली गई है हाइपोगाइनस एंड बाकी सब थल्ले थल्ले दैट इज बाय कार्पेलरीपस सिंह कार्पस क्योंकि फ्यूज है

दो घेरे में प्रेजेंट है सो दिस इज आवर केलिक्स डिनोटेड बाय के 2 2 कोई कनेक्शन नहीं है आपस में जुड़े नहीं हुए तो पॉलीसेपलस अंदर आ जाओ ये है मेरे वॉलवेट एस्टीवेशन में प्रेजेंट कोरोला वॉलवेट एस्टीवेशन है नॉर्मल कोरोला आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो चार हैं ये टोटल चार हैं अनफ्यूज्ड है अब इससे अंदर आ जाओ और अंदर आ जाओ ये है मेरे एक तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी दो घेरे में प्रेजेंट है टू प्लस फोर ठीक है घेरे में वन टू थ्री फोर बाहर के घेरे में वन डैश टू डैश दो घेरे दिखाई दिए तो इसको हम डिनोट करके लिख सकते हैं एंड्रोशियम बाहर के घेरे में टू अंदर के घेरे में फोर और ये क्वेश्चन आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है कि आउटर साइड में क्या होता है इनर में कितना का ये कंडीशन है में you know, में दो है एंड इनर वर्ल्ड में आपके पास चार है ओके देन उसके अंदर आ जाइए ये मेरी हो गई सिंह कार्पस बाय कार्पलरी ओवरी सुपीरियर ओवरी है तो गद्दी में बिठा दो बायकार्पलरी है एंड सिन कार्पस एफ फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा दो किस <laughs> yes, so काम आती है फूड के काम तो सारी फैमिलीज ही आती है हम खाना तो खा ही रहे हैं इसका है ना मस्टर्ड खा रहे हैं एंड देर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल क्रॉप बेटा ये देखिए ठीक है ये सारी हमारी वेजिटेबल क्रॉप से सीड भी तो बनता है मस्टर्ड ऑयल सीड यहां से क्लियरली बन रहा है मेडिसिन भी बनती है फॉर एजमा कफ ब्लीडिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सदै सजावट के लिए भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स यहां पर देखे जाते हैं डन विथ दिस मेरे बच्चों वी आर डन विद ऑल फैमिलीज इंक्लूडिंग ओल्ड फैमिलीज एज वेल एज न्यू फैमिली जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सब सब आपको बता दिया ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस सेशन में से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। देखो एनटीए ने जो नया ऐड किया ना उसमें से हंड्रेड परसेंट चांस है कि सवाल आएगा एनटीए ने क्या क्या नया ऐड किया है आपको मैं दिखा दू न्यू सिलेबस एक तो ये फैमिली इतना बड़ा हवा बन चुकी थी फैमिली कहां से करें फैमिली कहां से करे अब जो दोस्त आपके मांगे ना उसको ये सेशन जरूर शेयर कर देना एम sure उसको जरूर समझ आएगा फैमिली आप यहां से करें देन और क्या नया एड हुआ है नया एड हुआ है मेरा इसी यूनिट में फ्रॉग अगर मैं आपको बताऊ फ्रॉग की बेटा सारी क्लासेस एक डिटेल्ड क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं कहाँ गया फ्रॉग हाँ जी सब बच्चों को पता है ना मैंने फ्रॉग पढ़ा दिया ऑलरेडी ये देखिए फ्रॉग का वन शॉट ऑलरेडी मैं ले चुकी अब तो इसके व्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं लेकिन अगर आप फ्रॉग सी पाउजा डाल के देखेंगे मैं फ्रॉग नहीं हूं जस्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्रॉग बाय सी पाउजा आपको ये डेढ़ घंटे का सेशन मिल जाएगा इससे बाहर फ्रॉग का एक अक्षर नहीं आएगा नथिंग जो आ सकता था मैंने सब इस फ्रॉग वाले लेक्चर में करा दिया है Then अगर आप जाके देखेंगे कि मैम डेंगी चिकन गुनिया न्यू गए करेंगे क्या ऐड करें गए हैं डेंगी है? एंड चिकन गुनिया ये देखिए आप यूट्यूब पे डालिए डेंगी चिकन ये देखो मैंने भी डाला मैंने भी मैं भी ऐसे सर्च करती हूं डेंगी चिकनगुनिया सीप वाइफ सीप

नए पोर्शन में से सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के क्योंकि नई नई चीज तो पूछेंगे और आसान क्वेश्चन आएंगे ये मुझे पता है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है सो so, आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो समाप्त होता है सात बजे मैं एक क्लास लूंगी इस सात बजे की क्लास में दो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करनी है वैसे तो आप छुपे रुस्तम नहीं हो मैंने अनाउंसमेंट कर दिए बट एक चीज मैं उसी क्लास में एज अ सरप्राइज बताने वाली हूँ एंड कल हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू यूनिट बॉटनी समझनी है तरीके से समझनी है और पूरी लर्न करके जानी है बेस्ड तो ये क्लास मत भूलना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स फ्रॉम टुमारो एंड फ्लैश कार्ड का गिव अवे की क्लास कल होगी आज कोई क्लास नहीं है अब बस वो सात बजे वाला एक अनाउंसमेंट है वो देखने आ जाना फ्लैश कार्ड बेटा मैं आपको कल गिव अवे करने वाली हूँ एंड माइंड मैप परसों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर लाइक करना

PYQ की टेस्ट सीरीज के लिए स्कैनर दिया हुआ है जस्ट स्कैन दिस एंड आप पीवाई क्यू का खुद से टेस्ट भी दे पाएंगे अब समय है टेस्ट सीरीज का सो so टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी बेटा कहाँ जाने हैं नोट्स लिखा नहीं कोई बात नहीं नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे सेशन के तुरंत बाद ऑन माई टेलीग्राम जी मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाइन्टी परसेंट तो लर्न करके जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आई रियली फील 90 परसेंट पोर्शन आप लर्न करके जा रहे हैं मेरी क्लास से और इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है प्लीज मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कॉमेंट्स में थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर कल हम मिलेंगे और बड़े सेशन में जिसका नाम होगा प्लांट फिजियोलॉजी एंड अगले दस दिन प्लांट फिजियोलॉजी को डेडिकेट करते हैं इसी तरीके से सीखते हैं ये तो सबसे टफ है बेटा अब कल तो आसान है अब सब आसान है ये कर लिया ना तुमने तो तुम सब कुछ कर सकते हो ठीक है थैंक यू गाइस बाय बाय टेक केयर